दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद और वंदे मातरम। दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूं भील छप्पर के अंदर, जहां पर नव निर्वाचित सरपंच श्री संजीव कुमार जी हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो कि आपको नव वर्ष के ऊपर जो है अपने शुभकामनाएं संदेश देना चाहते हैं। तो संजीव कुमार जी, सबसे पहले आपका 7X हरियाणा में बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे नव वर्ष की शुभकामना के द्वारा? सर हेलो, हाँ जी संजीव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं संजीव कुमार, ग्राम भील छप्पर, सभी अपने ग्रामवासियों का हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे सरपंच पद के लिए चुना। और मैं नव वर्ष की अपने पूरे ग्रामवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, और आने वाले समय में जो है मैं अपने गांव के लिए, अपने गांव की तरक्की के लिए पूरा जोर लगाऊंगा। जहां जहां से भी मैं जो भी कार्य कर पाऊंगा उसके लिए मैं भागड़ दौड़ करूंगा, और अपने गांव से इस चीज़ के लिए एक उम्मीद रखता हूं कि मेरा गांववासी, मेरे ग्रामवासी जो है मेरा साथ दें। जहां जहां भी, जिस भी कार्य के लिए मुझे अपने ग्रामवासियों की आवश्यकता होगी, मैं अपने समस्त ग्रामवासियों को साथ लेकर चलूंगा। और मेरा ये एक उम्मीद है, मेरी एक दिल की तमन्ना है कि मैं अपने पूरे गाँव का अच्छे तरीके से सौंदर्यकरण कर सकूँ, जिसके लिए मैं अपने ग्रामवासियों से सहयोग की अपील करता हूँ। और भविष्य में भी जिस भी तरह का कोई कार्य मैं करूंगा, अपने पूरे समस्त ग्राम का सुझाव लेकर ही करूंगा। जो जो भी कार्य मैंने अपने गांव के लिए करने हैं, मैं अपने ग्रामवासियों के सुझाव से करूंगा। और समस्त प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो आज के समय में भी पूरे सरपंचों का सहयोग करते हैं, और भविष्य में भी मैं उनसे यही उम्मीद करूँगा कि इसी तरह जो है वो सहयोग करते रहें। मैं आज जो है सरकार सरपंचों को जो है अच्छी अच्छी ग्रांटें दे रही हैं, तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि ग्राम भील छप्पर को भी एक इस तरह का सौंदर्यकरण करें, पूरा सहयोग करें, जिससे पूरे गांव का जो है दिखे कि किसी गांव में कार्य चल रहे हैं। तो मैं इसी उम्मीद के साथ सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी को राम राम करता हूँ।